वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मार्च 2020 और 1 मार्च 2020 से करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल से रिलेटेड अन्य वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप क्लिक के थ्रू देख सकते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन है आपका किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। अब जान लेते हैं मोदी किचन क्या है। तो मोदी किचन तमिलनाडु में एक जगह है, प्लेस है कोयम्बटूर। वहाँ 500 लोगों से ज़्यादातर लोगों को एक दिन में खाना खिलाया जाता है। 500 लोगों को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। और उसके आसपास 10 किलोमीटर एरिया का जो क्षेत्र है वहाँ गरीब लोगों को पार्सल किया जाता है खाना। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। तो वहाँ पर ये मोदी किचन की शुरुआत की गई है, ये तमिलनाडु, यानी इसका सही ऑप्शन सी तमिलनाडु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस बैंक ने नए लोगों का अनावरण किया गया है? जैसा आप लोगों को पता है 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंकें बनाई गई हैं। तो उसमें किस बैंक के नए लोगों का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी PNB बैंक है, इसमें कई बैंकों यानी अन्य 3 बैंकों को मिलाकर एक नई बैंक का अनावरण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी PNB हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो असम की गवर्नमेंट है ऑप्शन सी, उसकी राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। असम में 2.78 लाख निर्माण श्रमिक हैं, उन लोगों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है, यानी इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी असम हो जाएगा। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में किसने क्वारंटीन मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IISc बेंगलोर, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी IIT बॉम्बे हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं क्वारंटीन क्या होता है, मोबाइल ऐप क्या है। तो जो COVID-19 यानी कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं, तो उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए IIT बॉम्बे ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसे क्वारंटीन मोबाइल ऐप कहा जाता है। इसमें जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके फ़ोन में एक यह ऐप डाउनलोड कर दिया जाता है और इस ऐप से उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है कि वे कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में परवई मुनियम्मा का निधन हुआ वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो परवई मुनियम्मा थी वो ऑप्शन सी गायक थी, वो एक गायक थी। अब परवई मुनियम्मा कौन थी, ये गायक थी, और इन्हें कलाई मुमामी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन डी DRDO, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण शुरू किया। अब जान लेते हैं आपातकालीन निकासी बैग क्या है। तो जो कोरोना वायरस से पीड़ित संक्रमित लोग हैं उनको एक स्पेशल पॉलीथीन नुमा बैग में बंद करके रखा जाता है, जिससे उनका संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे, जिससे वह भी पीड़ित ना हो। ऐसे बैग को आपातकालीन निकासी बैग कहा जाता है और इन बैगों का निर्माण हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रयागयाम मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो झारखंड की गवर्नमेंट है उसने ई पास जारी करने के लिए प्रयागयाम मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब हम जान लेते हैं प्रयागयाम मोबाइल ऐप क्या है। तो जैसे कि
सभी जगह, जैसे डॉक्टरों को हॉस्पिटल जाना है, बैंक कर्मचारियों को बैंक जाना है, और कुछ डिलीवरी इम्पोर्टेंट लोगों को कहीं ना कहीं जाना है, तो सरकार ने उनके लिए एक ई पास जारी किया है, ऑनलाइन ई पास जारी किया है। तो उससे उन लोगों को परमिशन मिलती है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो वही झारखंड की सरकार ने प्रयागया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश में सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जॉर्जिया में टाटा पावर ने सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन किया है। इस सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 178 मेगावाट का है, इसने टाटा पावर ने जॉर्जिया के साथ संचालन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड एवं वॉच सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार है, उसने मोबाइल हैंड वॉच सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं। अब मोबाइल हैंड वॉच सुविधा स्टेशन क्या है? इसमें एक पानी की टंकी रखी होती है जगह जगह पर, वहाँ पर चार टोटी लगाई जाती है और वहाँ पर एक हैंड वॉश रखा जाता है। उसमें जो गरीब लोग हैं वो अपना हाथ धो सकते हैं, यानी जो गरीब हैं, जो मतलब अपने खुद के पैसों से सामान हाथ धोने के लिए नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एडीबी है उसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं एडीबी क्या है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 100 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का निधन हुआ है? कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का निधन हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जापान है, ऑप्शन सी, इस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की सरकार ने राज कोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया। अब ये जान लेते हैं राज कोप सिटीजन ऐप क्या है। तो जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि जो नेसेसरी लोग हैं जिनको बाहर जाना आवश्यक है उनके लिए गवर्नमेंट ने ई पास जारी किया है, वैसे ही राजकोप सिटीजन ऐप भी एक ऑनलाइन ई पास है। इसकी परमिशन से आप बाहर जा सकते हैं। और हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोरोना सर्च, ऑप्शन बी कोरोना कवच, ऑप्शन सी कोरोना ट्रैक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत सरकार ने कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोरोना कवच हो जाएगा। और हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? ऑप्शन ए BOB, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।